नमस्ते फ्रेंड्स, एलके गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और देखिए मेरी तोरई अभी तक लग रही है, कुछ कुछ अभी छोटी छोटी भी है। ये देखिए इधर और इधर भी हैं। और देखिए ये देखिए आज कोई यानी कि बंदर सुबह सुबह आ गया और मैं भी सुबह ही आई हूँ। अभी 7 ही बजे हैं। देखिए मेरी बेल उखाड़ के चला गया। एक दो तीन, अब ये बेल उखाड़ दी तो अब मैं इनको हटानी ही पड़ेंगी। अब तोरे लगें या ना लगें तो इनको मैं हटाती हूँ, और जितनी भी जी सूखी सूखी लग रही हैं इनको भी हटाती हूँ। तो चलिए काम करते हैं शुरू। और इधर भी हैं सूखी सूखी बेलें, देखिए जो ये लौकी लगी थी बहुत सारी। ये लौकी कुछ तो पत्ते हैं और इसमें ना फूल आ रहा ना फल, तो इसको भी हटा ही दूंगी आज मैं। तो ये देखिए तो इधर की टंकी भी खाली हो जाएगी, उधर की भी हो जाएगी। कद्दू भी रहने दूंगी इसमें, तो अभी कद्दू फूल आ रहा है कद्दू का। ये देखिए तो कद्दू को रहने दूंगी, लौकी को हटा दूंगी। तो ऐसे ही इसकी मैं पूरी कटाई छटाई कर लेती हूँ आज, जितनी भी बचेंगी। और फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगेगा मेरा काम, आपको कैसा लगेगा। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाइएगा अगर बेल आइकन नहीं दबाई है तो मेरी, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए फिर करते हैं काम शुरू देरी ना करके। देखिए ऐसे मैं सबको निकाल लूँगी और इन ग्रो बैग में डाल दूँगी, जो मैंने बड़े बड़े ग्रो बैग बनाए ऐसे ही इनको भर लूँगी। दो तो मैंने पहले भर दिए हैं, अभी 4 बाकी हैं। तो ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, एक ऐसे ये भर दिया मैंने, और एक ये भर दिया, और एक उधर भर दिया बीच वाला, तो उसमें तो आलू बो भी दिए। तो मैं पहले भर लेती हूँ उनको, फिर एक साथ बोऊँगी सबको। और इधर मेरी मिर्ची वगैरह लग रही है। ये देखिए ये तो मैंने खाली कर ही दिए, तो इनमें भी गुड़ाई कर दूंगी खाली में। तो चलिए फिर करते हैं काम शुरू। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम तीनों आगे बच्चे और मैं, और एक पहले हम जो तोरी है भिंडी है इनकी हार्वेस्टिंग ले लेते हैं, मतलब तोड़ लेते हैं पहले, इनको रख लेते हैं जितनी भी है, और फिर इनकी जितनी भी बेल हैं ये हमारी जो बंदर उखाड़ गया है और कुछ सूख गई हैं, तो इन सबको आज हम हटा देंगे। भले ही इनमें छोटी छोटी तोरी लग रही हैं लेकिन बहुत कम लग रही थी, वैसे भी मैं सोच रही थी इसे हटाने के लिए, लेकिन लालच है कि चलो 2-4 तो निकल रही हैं, तो उस वजह से मैं नहीं हटा पा रही थी, लेकिन आज वो काम बंदर ने कर दिया। तो चलिए तो अब तो मुझे हटानी पड़ेंगी ही। तो अब मैं जितनी भी तोरी की बेल हैं सबको हटा दूंगी, और एक बेल मैं लास्ट में दिखाऊंगी जो कि वो मैंने छोड़ी है, यानी कि नीचे से जो आ रही है उसमें एक बार भी हार्वेस्टिंग की हमने, नहीं 2 बार हार्वेस्टिंग ले ली है, लेकिन उसमें अच्छे से तोरी लग रही है, वो एकदम हरी भरी है, तो उसको छोड़ देंगे और कद्दू को छोड़ेंगे और बाकी के सब को हम हटा देंगे। ये देखिए कितना खाली कर दिया हमने। तो अब हम दूसरी तरफ आ गए, और मेरे बच्चों को पता नहीं है कि यहाँ पर कैमरा लग रहा है, तो दोनों कुर्सी लेके बैठ गए उसके आगे। इनको बाद में पता चला जब मैंने बोला कि कैमरा के आगे से हट जाओ, देखिए तब इन्होंने बंद भी कर दिया था। अब ये देखिए ये बेल जो मैं सुलझा रही हूँ ये कद्दू की बेल है, और इसको मैं मतलब इसमें फ्लावरिंग भी है, यानी कि फूल भी आ रहा है और फ्रूट भी आ रहे हैं इसमें कद्दू में, तो मैं इसको अच्छे से सुलझा रही हूँ कहीं टूट ना जाए, क्योंकि एक लौकी की बेल में उलझी हुई है, तो लौकी को तो हमने हटाना ही है, तो उस वजह से मैंने इसको अच्छे से सुलझाई। और सुलझाने के बाद फिर मैंने जो ये डाली जैसी रखी हुई है यहाँ पे एक लकड़ी की, तो ये मैंने छोटी छोटी जो लकड़ियाँ आती हैं उसको हटाया नहीं ताकि इसके ऊपर फैल जाए, तो इसी के ऊपर मैंने टांग दिया अपनी बेल को पूरी को, इसी के ऊपर अच्छे से टांग दिया इसको सुलझा के, और ये जो लौकी की बेल है जो लड़का लग रहा है मेरा उसको उखाड़ दिया। अब ये देखिए मैं दोबारा से उसी तरफ आ गई जिस तरफ मैंने पहले ही काम किया था, तो इसको मैं पहले भरवा रही हूँ ग्रो बैग्स में ही जो पत्तियां हैं, क्योंकि इस जमीन पे अभी ये टंकी खाली करवाऊंगी मिट्टी में मिट्टी, तो नहीं तो मिट्टी इस पत्तियों के ऊपर फैल जाएगी, इतनी जगह नहीं है कि मैं
टंकियों को भी खाली करूँगा, पत्तियों को भी सिखाऊँ। तो पत्तियों को मैंने रख दिया ग्रो बैग में और बाद में मैं आधी आधी कर लूँगी और इन टंकियों में ही भर दूंगी नीचे। तो ये देखिए एक सेम की बेल भी निकल रही थी यहाँ पे, बाद में बीज लगाया होगा तो ये छोटी है अभी। तो इसको मैंने भिंडी के पेड़ के समय थी इसको उठा लिया हावड़े से और मिट्टी समेत। और इसको मैंने कद्दू के जो ग्रो बैग्स हैं ये गत्ते के, जो मैंने एक दो साल दो ढाई साल हो गया होगा जो सबसे पहले बनाए थे वो ग्रो बैग्स हैं ये, तो अच्छे चल रहे हैं अभी। लेकिन मैं इनको अभी फट गए हैं लेकिन अभी नहीं हटाऊंगी क्योंकि ये जो इसमें कद्दू की बेल चल रही है अभी। तो ये देखिए अब मेरी टंकी कितने अच्छे से साफ हो गई है। और एक तो खड़ी कर दी, ये कैसी रखी है लेकिन पूरी खाली कर दी। अब इसको अच्छे से सुखा के और फिर खाद वाद मिला के फिर भरूंगी इसमें। और इधर की साइड में भी थोड़ा सा काम रह गया है अभी, लेकिन धूप तेज हो गई थी तो हम चले गए। और कुछ सही सलामत बेल है उनको हमने छोड़ दिया, ये देखिए मिर्ची वगैरह। तो तोरे भी आएगी लास्ट में जिसमें से हम तोरे खाएंगे, ये देखिए जो मैं। चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे या फिर इसी में आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।